क्या आप जानते हैं देश में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। इस साल शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संपत्ति में 72 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी इस सूची में शीर्ष पर हैं। पिछले 1.5 साल से शेयर बाजार में तेजी और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO की बाढ़ से देश के अरबपतियों प्रवर्तकों की जमात में कई नए प्रवर्तक शामिल हो गए हैं। $1 अरब यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए की हैसियत वाले प्रवर्तकों और कारोबारियों की संख्या 2020 के 85 से बढ़कर इस साल रिकॉर्ड 126 हो गई है। इन अरबपतियों की जो संपत्ति है $728 अरब करीब 54.6 लाख करोड़ रुपए है, जो 2020 के दिसंबर में $494 अरब यानी 37 लाख करोड़ रुपए थी। अदानी समूह के गौतम अदानी लगातार दूसरे साल अपनी संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा करने वाले प्रवर्तक रहे। अदानी समूह के नेटवर्थ 2021 में $82.43 अरब है, जो दिसंबर 2020 के करीब $40 अरब के मुकाबले दुगने से भी अधिक है। 2019 में इनकी हैसियत $20 अरब थी। अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण इस साल अब तक 133% बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रहा, जो दिसंबर 2020 में 4.27 लाख करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर अरबपतियों की लिस्ट में पहले पायदान पर काबिज हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $104.7 अरब यानी 7.85 लाख करोड़ रुपए है, जो डॉलर में पिछले साल की तुलना में 21.4% अधिक है। 2019 में अंबानी की संपत्ति में 37% का इजाफा हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण दिसंबर 2020 के 12.81 लाख करोड़ रुपए से 25% बढ़कर 16 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो इस तरीके से देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई है और अरबपतियों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। खबर भी सरोकार भी, हर कदम हर डगर हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष बात वही जो है सच सही और दमदार भी। गांव कस्बा शहर नगर रुक न पाए कोई खबर, असर भी असरदार भी, खबर भी सरोकार भी। lalluram.com सच कहेंगे लल्लूराम। आपके राज्य में खबरों की एक नई परिभाषा गढ़ता, आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता, आपके राज्य की हर खबर से रूबरू कराता, खबरों का एक विश्वसनीय नाम lalluram.com। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए lalluram.com।